Hello students, in the last video we have studied vestigial sideband modulation technique. Okay, so far we have studied SSB-SC, DSB-SC, DSB-FC and VSB. Okay, that is you can say complete amplitude modulation techniques. Okay, now in this class we will study frequency division multiplexing, which uses the concept of amplitude modulation techniques. Okay, now what is frequency division multiplexing? We have already studied what is multiplexing. So multiplexing kya hoti hai aapki? Multiplexing means transmission of more than one signals through a single channel or a cable. Okay. So what is frequency division? Naam se hi aapko clear hai. Yahan par hum frequency ko divide karte hain. Available total frequency ko hum log divide karte hain. Kaise? Hum isse ek block diagram ke through understand karte hain. Okay. So frequency division multiplexing ke liye यहां पर मैं 3 सिग्नल्स कंसीडर करने जा रहा हूं जिसे मुझे सिंगल चैनल से सेंड करना है. ओके, तो यहां पर मैं ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं. ओके, सो देयर आर 3 मैसेज सिग्नल्स m1t m2t एंड m3t. क्लियर पॉइंट? सो ये 3 मैसेज सिग्नल है जिन्हें मुझे ट्रांसमिट करना है, बट कांसेप्ट कौन सा यूज करना है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. ओके, अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये तीनों सिग्नल जो हो वो सिर्फ 0 टू 5 किलोहर्ट्ज की रेंज में ही हो, तो इसके लिए मैं लो पास फिल्टर का यूज कर रहा हूं. लो पास फिल्टर फॉर सेकंड सिग्नल आल्सो एंड लो पास फिल्टर फॉर थर्ड सिग्नल. ओके, तो यहां पर मैंने तीनों सिग्नल्स के लिए लो पास फिल्टर का यूज कर लिया है. क्लियर है पॉइंट? अब ये लो पास फिल्टर की रेंज क्या मैं ले रहा हूं? 0 टू 5 किलोहर्ट्ज. दैट मींस जो मैसेज सिग्नल होगा उसके लिए जो एफएम होगा, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी एफएम, ओके, वो कितनी होगी आपकी? 5 किलोहर्ट्ज होगी. क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर लो पास फिल्टर के बाद जो आउटपुट आएगा उस पे जो आपका मैसेज सिग्नल होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, लाइक दिस. मैं यहां पर मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कंसीडर कर रहा हूं. तो ये फर्स्ट जो होगा m1f, ये क्या होगा? 5, और ये यहां हो जाएगा -5. ठीक है, आपकी जो यूनिट है वो किलोहर्ट्ज है, आप ध्यान रखिएगा. नाउ यहां पर आप देखिए जो आपका सेकंड मैसेज है, सेकंड मैसेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा. मैं शेप बस डिफरेंट ले लेता हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म का. दिस इज योर m2f. ओके, अगेन रेंज इज +5 और नेगेटिव साइड -5. ओके, नाउ जो आपका थर्ड मैसेज सिग्नल है वो आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा. अगेन मैं शेप बस चेंज कर रहा हूं. ठीक है, अगेन -5 एंड पॉजिटिव साइड +5. दिस इज योर m3f. क्लियर है पॉइंट? तो देयर आर 3 मैसेज सिग्नल्स और उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने यहां पर शो कर दिए हैं. मेरा टारगेट क्या है कि इन 3 मैसेज सिग्नल्स को मैं ट्रांसमिट करूं वाया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. ओके, पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिफोर ट्रांसमिशन हमें पहले मॉड्यूलेशन परफॉर्म करना होता है. तो हम कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर लेते हैं जो हमने अभी तक स्टडी की हुई है. ठीक है, सो यहां पर मॉड्यूलेटर 1, ओके, हियर मॉड्यूलेटर 2, ओके, और यहां पर आपका हो जाएगा मॉड्यूलेटर 3. क्लियर है पॉइंट? नाउ हर एक मॉड्यूलेटर के लिए हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी होती है. ठीक है, तो यहां पर मैं फर्स्ट मॉड्यूलेटर के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहा हूं FC1, यहां पर FC2 एंड हियर FC3. क्लियर है? कैरियर फ्रीक्वेंसी मींस कैरियर सिग्नल में अप्लाई कर रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी है FC1 और FC2 और FC3. ठीक है, तो यहां पर मॉड्यूलेटर को मैसेज सिग्नल भी मिल गया है और कैरियर भी मिल गया है. ठीक है, अब आफ्टर मॉड्यूलेशन अगर मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मैं ड्रॉ कर दूं यहां पर, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा. देखिए यहां पर आप, लाइक दिस. ओके, यहां पर ये वाया चैनल पास होंगे सारे के सारे. ठीक है, और अगर मैं सबके यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर दूं, मींस यहां पर आपका S1F फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, यहां S2F होगा और यहां आपका S3F हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट? तो S1F, S2F एंड S3F ये आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म है. ये तीनों के तीनों सिग्नल आपके सिंगल चैनल से पास होंगे. अब अगर मैं इन्हें ड्रॉ कर दूं तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे. देखिए आप, लाइक दिस, ये आपका हो गया. ओके, दिस इज FC1, FC1 +5 एंड FC1 -5. ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर पॉजिटिव साइड ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज S1F,
सेम आपका एच टू एफ हो जाएगा, एच टू एफ लाइक दिस हो जाएगा आपका एफ सी टू, ओके एफ सी टू प्लस फाइव एंड हियर एफ सी टू माइनस फाइव. सेम आपका यहाँ पर थर्ड भी ड्रॉ हो जाएगा, ओके यहाँ एफ सी थ्री हो जाएगा, एफ सी थ्री प्लस फाइव, एफ सी थ्री माइनस फाइव. तो इस तरह से ये सिग्नल आपके ट्रांसमिट होंगे वाया सिंगल चैनल और केबल. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपके तीन मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो कि एक ही चैनल से पास हो रहे हैं. ओके अब डीमॉड्यूलेशन साइट क्या होगा, रिसीवर के साइट क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों सिग्नल आपके एक साथ आ रहे हैं रिसीवर के साइड में. ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर रिसीवर ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करूं तो रिसीवर ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए किस तरह से हो जाएगा. हम लोग वाया चैनल जो तीन सिग्नल आ रहे हैं उन सबको पहले हम लोग बैंड पास फिल्टर में अप्लाई करेंगे. सो दिस इज योर बैंड पास फिल्टर वन, दिस इज योर बैंड पास फिल्टर टू, ओके एंड लास्ट बैंड पास फिल्टर थ्री. ओके तो आपके थ्री बैंड पास फिल्टर हमने यूज कर लिए हैं. सभी के सभी सिग्नल्स जो आएंगे आपके चैनल के थ्रू वो सारे के सारे आपके तीनों के तीनों बैंड पास फिल्टर में जाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे डी मॉड्यूलेटर का. ओके तो डी मॉड्यूलेटर वन, डी मॉड्यूलेटर टू, ओके एंड डी मॉड्यूलेटर थ्री. क्लियर है पॉइंट, अलग अलग डी मॉड्यूलेटर यूज करेंगे हम लोग. ओके तो यहां पर आफ्टर डी मॉड्यूलेशन हमें वापस से सिग्नल्स मिल जाने चाहिए एम वन टी, एम टू टी एंड एम थ्री टी. ओके वो हम स्टडी करेंगे कि हमें किस तरह से मिलेंगे वो. ओके तो ये आपका एक्चुअल में रिसीवर का डायग्राम होना चाहिए. ओके तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, जब आपके एस वन टी, एस टू टी एंड एस थ्री टी, जो आपने एस वन एफ, एस टू एफ एंड एस थ्री एफ शो किया है फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में, जब वो तीनों के तीनों सिग्नल आपके एक साथ आएंगे और उन्हें जब हम बैंड पास फिल्टर वन में अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि बैंड पास फिल्टर का रोल क्या होता है. बैंड पास फिल्टर का रोल ये होता है कि वो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा. ठीक है ना, जब हम लोगों ने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया है फॉर द फर्स्ट सिग्नल तो हमारी रेंज क्या आई है पॉजिटिव साइड में, एफ सी वन माइनस फाइव टू एफ सी वन प्लस फाइव. तो हम क्या चाहेंगे कि जो एक बैंड पास फिल्टर है आपका उसकी रेंज यही हो, एफ सी वन माइनस फाइव टू एफ सी वन प्लस फाइव. ओके हम ये चाहेंगे फिर जो सेकेंड बैंड पास फिल्टर है उसकी रेंज हो एफ सी टू माइनस फाइव टू एफ सी टू प्लस फाइव. ओके एंड हम ये भी चाहेंगे कि जो थर्ड बैंड पास फिल्टर है उसकी रेंज क्या हो, एफ सी थ्री माइनस फाइव टू एफ सी थ्री प्लस फाइव. क्लियर है पॉइंट, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है देखिए. यहां पर आप जब यहां पर आपके तीनों के तीनों सिग्नल्स जो इनकमिंग है वो बैंड पास फिल्टर वन में जाएंगे आपके, तो यहां से एफ सी वन माइनस फाइव टू एफ सी वन प्लस फाइव जिस सिग्नल की रेंज होगी सिर्फ और सिर्फ वही पास होगा, बाकी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स आफ्टर बैंड पास फिल्टर वन ओनली आपका जो एस वन एफ है वही पास होगा, एफ सी टू वाले और एफ सी थ्री वाले जो आपके एस टू एफ एंड एस थ्री एफ है वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे. लॉजिक क्लियर है, क्योंकि इसकी रेंज है आपकी एस वन एफ के लिए ही प्रिपेयर की गई है. लॉजिक क्लियर है ना, इसकी रेंज आपने इस तरह से डिजाइन की है बैंड पास फिल्टर वन की कि वो सिर्फ और सिर्फ एस वन एफ को पास करे. सेम वैसी जब तीनों के तीनों सिग्नल आपके बैंड पास फिल्टर टू से पास होंगे तो ऑनली आपका सेकेंड सिग्नल जिसकी रेंज है एफ सी टू माइनस फाइव से एफ सी टू प्लस फाइव सिर्फ और सिर्फ वही पास होगा. ठीक है ना, सिमिलरली फॉर थर्ड बैंड पास फिल्टर. ठीक है, तो यहां से आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा एस वन एफ या एस वन टी, जो भी आप शो कर दीजिए, हियर एस टू एफ एंड हियर एस थ्री एफ. ओके मतलब आपका जो आउटपुट होगा वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जो आपने ट्रांसमीटर साइड जनरेट किया था. ठीक है, बेसिकली आपने बैंड पास फिल्टर का यूज क्यों किया, ताकि आप तीनों के तीनों मॉड्यूलेटेड सिग्नल को सेपरेट कर सके जो कि चैनल में आपके एक साथ थे, जो रिसीवर में एक साथ रिसीव हुए थे, आपने उन तीनों को सेपरेट कर दिया. ओके नाउ अब आप यहां पर देखिए डी मॉड्यूलेशन हम परफॉर्म करेंगे. यहां पर डी मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होगी, डी मॉड्यूलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में लाइक डीएसबी एससी में या डीएसबी एफसी में सभी डी मॉड्यूलेशन टेक्निक हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं. तो हमें सिर्फ यहां यह समझना है कि जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल डी मॉड्यूलेटेड होता है तो हमें मैसेज सिग्नल मिल जाता है, दैट्स इट. तो हमें यहां पर एम वन टी मिल जाएगा, एम टू टी मिल जाएगा एंड एम थ्री टी मिल जाएगा.
क्लियर है पॉइंट अच्छे से, ठीक है? तो ये आपका रिसीवर का डायग्राम होता है, ठीक है? अगर मैं पूरे टॉपिक को एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, तो देखिए हमारा जो टारगेट है, हम स्टडी क्या कर रहे हैं यहां पर, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ओके? और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करके हम करना क्या चाहते हैं, हम अपने तीन मैसेज सिग्नल को सेंड करना चाहते हैं वाया सिंगल केबल और चैनल, ओके? तो सबसे पहले हम लोगों ने लो पास फिल्टर का यूज किया, जिससे हम ये चाहते थे कि हमारे मैसेज सिग्नल की जो रेंज है वो 0 to 5 kHz हो जाए, मींस हमारा मैसेज सिग्नल उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी में ना हो, बस इसके लिए हमने लो पास फिल्टर यूज किया, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया, मॉड्यूलेशन के लिए हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी की भी नीड होती है, ठीक है ना? तो हम लोगों ने कैरियर फ्रीक्वेंसी सारे मॉड्यूलेटर में अप्लाई कर दी, क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन सी यूज की गई है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को, ओके? देन हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिले, ठीक है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल की रेंजेस जो है, जो मैंने यहां पर शो की है, S1F, S2F एंड S3F की जो रेंजेस मैंने शो की हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप DSB SC यूज करेंगे तब भी FC-FM टू FC+FM होती है, DSB FC यूज करेंगे तब भी आपकी FC-FM टू FC+FM होती है, तो रेंज मैंने वही ली है, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट अच्छे से आप लोगों को? नाउ अब ये तीनों के तीनों सिग्नल जब आपके एक साथ चैनल के थ्रू होकर रिसीवर तक पहुंचेंगे, तो रिसीवर में हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है कि हम इन तीनों सिग्नल को पहले सेपरेट कर लें, जिसके लिए हम लोगों ने बैंड पास फिल्टर का यूज किया है, ओके? देन हमने डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म किया, जिससे हमें मैसेज सिग्नल वापस से रिकवर हो गए एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, आप लोगों ने जो काम प्रीवियस वीडियोस में एक एक सिग्नल के लिए किया था, यहां आप लोगों ने 3-3 सिग्नल्स के लिए किया है, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है यहां पर, क्लियर है पॉइंट अच्छे से? नाउ अब यहां पर मैं कुछ केसेस ले रहा हूं, कुछ क्राइटेरियाज ले रहा हूं, आप समझिएगा कि क्या इफेक्ट होगा उन केसेस का इस आउटपुट में या इस कंप्लीट प्रोसेस में, ठीक है? अब एक बात समझिएगा, हम लोगों ने यहां पर मॉड्यूलेटर का यूज किया है, ओके? अब समझिएगा अगर मैं यहां पर मॉड्यूलेटर यूज नहीं करता, ठीक है ना, विथाउट मॉड्यूलेशन, फर्स्ट केस क्या है कि हम लोग यहां पर मॉड्यूलेशन प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते, तो क्या इफेक्ट होता विदाउट मॉड्यूलेशन, ओके? तो यहां पर क्या हो जाता आपका कि जो आपके तीनों के तीनों मैसेज सिग्नल हैं वो एक साथ जरूर जाते, बट मॉड्यूलेशन यहां पर परफॉर्म नहीं होता, ठीक है? तो चूंकि तीनों के तीनों मैसेज सिग्नल की जो रेंज है वो 0 to 5 एंड 0 to 5 ही है, ठीक है? तो यहां पर तीनों के तीनों मैसेज सिग्नल चूंकि एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज में होते, इसलिए वो क्या हो जाते आपके, ओवरलैप हो जाते, आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाता, ठीक है? तीनों के तीनों मैसेज सिग्नल आपके ओवरलैप हो जाते यहां पर, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आउटपुट में नहीं मिलती, क्लियर है पॉइंट? तो ये विथाउट मॉड्यूलेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों मैसेज सिग्नल की रेंज आपकी एक ही थी, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर रेंज एक भी नहीं होती फिर भी काफी कुछ आपका ओवरलैप हो ही जाता, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में, ठीक है ना? ओवरलैप तभी नहीं होता जब आपके मैसेज के बीच में, मैसेज की फ्रीक्वेंसीज के बीच में बहुत बड़ा गैप होता, ठीक है ना? मीन्स आपका कई किलोहर्ट्स में गैप होता, सिर्फ 1 or 2 kHz के गैप से कभी भी आप ओवरलैप को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है? तो आप उसके लिए नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की वीडियो को मेरी फॉलो कर सकते हैं, बट अदरवाइज यहां पर तो हम लोगों ने सेम रेंज ली थी तीनों के तीनों मैसेज की, तो ओवरलैप होना ही था, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब अगर मैं केस टू कंसीडर करूं, यहां पर केस टू में आप देखिए, केस टू में मैं अगर ये ले रहा हूं कि तीनों के तीनों अगर आपके कैरियर सेम होते, ठीक है ना, मीन्स FC1 इक्वल टू FC2 इक्वल टू FC3 अगर मैं कंसीडर करता तो क्या होता, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपका जो सिग्नल है वो इस तरह से बना था, फर्स्ट वाला क्या बना था आपका, FC1-5 FC1 एंड FC1+5, ओके? अगर FC1 FC2 और FC3 सेम होते और तीनों मैसेज सिग्नल के 5-5 भी आपके सेम है, मतलब पहला मैसेज सिग्नल क्या है 0 to 5, सेकेंड भी 0 to 5 है, थर्ड भी 0 to 5 है, तो आपके तीनों मैसेज सिग्नल की FM भी सेम है, कैरियर भी सेम है, तो अगेन आपके तीनों के तीनों जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैं वो क्या हो जाते हैं आपके यहां से, ओवरलैप हो जाते, ठीक है? क्योंकि यहां पर आपका कैरियर भी सेम हो गया और आपके मैसेज की फ्रिक्वेंसी भी सेम हो गई, तो जो आपकी रेंज है वो हमेशा सेम रहेगी,
चाहे आप बोलिए FC1-5 टू FC1+5 या आप कहिए FC2-5 टू FC2+5 या आप ये बोल दीजिए FC3-5 टू FC3+5। तीनों रेंज ही आपकी बिल्कुल क्या है यहां पर, जो फ्रीक्वेंसी की रेंजेस हैं बिल्कुल सेम है आपकी, ठीक है। नाउ अब अगर मैं यहां पर केस 3 या एनालिसिस 3 यहां पर देखूं, तो यहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी कंसिडर करने जा रहा हूं, जो हम लोगों ने मेन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के ऑपरेशन में स्टडी की है अभी अभी, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम है, जो चैनल का जो डायग्राम है, जो चैनल में जो S1F, S2F एंड S3F एक साथ जो जा रहे हैं, जो पास हो रहे हैं, उसको मैं फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूं यहां पर। आप देखिए जरा यहां पर, फर्स्ट आपका FC1-5 टू FC1+5, ओके। सेकेंड है आपका FC2-5 टू FC2+5 एंड जो थर्ड है आपका दैट इज FC3-5 टू FC3+5, ओके। तो यहां पर इस डायग्राम को मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया है, जो मैंने यहां पर आपके लिए चैनल में ड्रॉ किया था। दिस इज योर डायग्राम, ठीक है ना, S1F, S2F एंड S3F, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जरा, मैंने यहां पर प्रॉपर तीनों सिग्नल्स के बीच में गैप लिया हुआ है। देखिए आप, ये आपका गैप है, दिस इज योर गैप, ओके। ये जो गैप है आपका, ठीक है, सेम आपका यहां पर जो गैप है, मैं इस तरह से यहां पर कर देता हूं, जो ये आपका गैप है, इस गैप को हम लोग कहते हैं गार्ड बैंड। तो यहां पर एक न्यू कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड गार्ड बैंड, ठीक है। तो गार्ड बैंड से क्या फायदा है या क्या नुकसान है, गार्ड बैंड की क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं अब, ठीक है। सपोज करिए अगर यहां पर गार्ड बैंड प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हम लोग यहां पर शो किए हैं, ठीक है। तो गार्ड बैंड अगर प्रेजेंट होगा, तो इसका सबसे पहले डिसएडवांटेज की अगर बात करें, तो डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि आप देखिए तीनों सिग्नल्स के बीच में गैप है, ठीक है, और ये गैप किसमें है, फ्रीक्वेंसी में है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस आपने ड्रॉ किया है, तो आपकी जो चैनल की जो बैंडविथ है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। सपोज करिए इन दोनों के बीच 2 किलोहर्ट्ज़ का गैप है, इन दोनों के बीच भी 2 किलोहर्ट्ज़ का गैप है, तो आपको एक्स्ट्रा बैंडविथ की रिक्वायरमेंट है, 4 किलोहर्ट्ज़ की एक्स्ट्रा बैंडविथ आपको चाहिए, ठीक है। तो गार्ड बैंड का डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी जो चैनल बैंडविथ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, बैंडविथ रिक्वायरमेंट, ओके, आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये गार्ड बैंड की डिसएडवांटेज, ओके। नाउ गार्ड बैंड की अगर एडवांटेज की बात करूं, तो एडवांटेज क्या हो जाएगी, आप ये स्टडी कर लीजिए। अब एडवांटेज आपकी ये हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, जब आप रिसीवर के साइड में बैंड पास फिल्टर यहां पर यूज करते हैं, आप ऐसा मान के चलते हैं कि बैंड पास फिल्टर की जो रेंज है वो FC-5 टू FC+5, ठीक है ना, 1 के लिए FC1 हो जाएगा, 2 के लिए FC2 और 3 के लिए FC3 हो जाएगा, मीन्स एक आइडियल रेंज है, ना तो वो उससे ऊपर पास करेगा ना ही वो उससे नीचे पास करेगा, क्लियर है पॉइंट। अब सपोज करिए जो बैंड पास फिल्टर 1 है, अगर वो FC1 से ऊपर पास करना चालू कर दे, दैट इज FC1+5 से ऊपर पास करना चालू कर दे, या बैंड पास फिल्टर 2 जो है वो FC2+5 से ऊपर पास करना चालू कर दे, या FC2-5 से नीचे पास करना चालू कर दे, दैट मीन्स अगर बैंड पास फिल्टर आपके आइडियल ना हो, ठीक है, तो यहां पर गार्ड बैंड रहने से फायदा क्या है कि वो दूसरे सिग्नल का कोई भी पोर्शन पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। इफ बैंड पास फिल्टर आर नॉट आइडियल, तो चांसेस हैं कि वो दूसरे सिग्नल का भी कुछ पोर्शन पास कर दे, जैसा हमने SSB-SC में देखा था, ठीक है ना, जब अपर साइड बैंड को पास करने जाते थे तो लोअर साइड बैंड भी पास हो जाती थी, स्मॉल पोर्शन, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अगर प्रॉपर गार्ड बैंड रहेगा दो दो सिग्नल्स के बीच में, तो आपका दूसरा सिग्नल का कोई भी पोर्शन पास नहीं होगा, तो ये एक तरह से एडवांटेज है, ठीक है ना। तो एडवांटेज कब होगा, वेन बैंड पास फिल्टर आर नॉट आइडियल, ओके, तब आपका ये एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है, गार्ड बैंड को यूज करना, क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर मैं इसी केस 3 में ये लेके चलूं कि आपकी गार्ड बैंड जो है वो 0 है, ठीक है, ये अगर मैं केस लेके चलता हूं, तो इसका क्या एडवांटेज या क्या डिसएडवांटेज है, देखो, तो गार्ड बैंड 0 का जो एडवांटेज होगा वो ये हो जाएगा, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। ये क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया, क्लियर। अब नाउ अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, तो क्या हो सकता है डिसएडवांटेज आपका,
कि अगर आपके बैंड पास फिल्टर आइडियल नहीं हुए तो सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी एक तरह से, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट, ठीक है, इफ क्या बोलेंगे आप, जब बैंड पास फिल्टर आपके आइडियल ना हो, आर नॉट आइडियल, क्लियर है पॉइंट अच्छे से, तो ये आपके गार्ड बैंड के एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गार्ड बैंड का भी, तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज गार्ड बैंड, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो ये आपका होता है कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग, जहां पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि वी आर सेंडिंग थ्री मैसेज सिग्नल्स वाया सिंगल केबल और चैनल, ठीक है ना। बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, यहां पर हम लोगों ने चैनल की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया, ठीक है, जिससे कि हम तीनों के तीनों सिग्नल्स को कुछ कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना, यही मतलब है फ्रीक्वेंसी डिवीजन का। आप सोच रहे होंगे यहां पर फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या है, तो मैं इसको भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं। सपोज करिए आपकी चैनल की फ्रीक्वेंसी थी, एक सिंपल सा एग्जांपल है, 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने चैनल की फ्रीक्वेंसी को या चैनल की बैंडविड्थ को इक्वल इक्वल अमाउंट में, या आप कह सकते हैं स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और उसके बाद हर एक सिग्नल को वो पोर्शन प्रोवाइड कर दिया ताकि वो सिग्नल जो है चैनल से पास हो सके। बेसिकली यहां पर आप लोगों ने चैनल की बैंडविड्थ को डिवाइड किया है, ठीक है, मीन्स आप लोगों ने एक से ज्यादा सिग्नल को चैनल की बैंडविड्थ का यूज करते हुए एक ही टाइम पे भेजा है, ठीक है ना। जब टाइम एक ही रहता है तो वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है, जब टाइम आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा देन इट विल बी टाइम डिवीजन, ठीक है, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करूं आपके लिए, सपोज करिए 10 मैसेज सिग्नल्स हैं आपके, ओके, जो कि आपके फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट का यूज करके ट्रांसमिट होने वाले हैं अभी, ओके, और जो हर एक मैसेज सिग्नल है वो बोल रहा है कि बैंड लिमिटेड टू 10 किलोहर्ट्ज़ है, ओके, तो ईच मैसेज सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू 10 किलोहर्ट्ज़, क्लियर है, ये हर एक मैसेज सिग्नल की आपको FM गिवन है। एक्चुअल में बैंड लिमिटेड का मतलब यही होता है कि आपको हर एक मैसेज सिग्नल का FM गिवन है, ओके। नाउ दिस मैसेज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ चैनल, ठीक है, यूजिंग FDM, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है यहां पर, एंड द गार्ड बैंड बिटवीन द सिग्नल्स इन द चैनल इज 2 किलोहर्ट्ज़। तो आपको गार्ड बैंड की वैल्यू दे दी है यहां पर, जो हमने अभी अभी स्टडी की है वो है आपकी 2 किलोहर्ट्ज़, क्लियर है अच्छे से। नाउ डिटरमाइन द बैंडविड्थ ऑफ मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल्स, मींस आपको टोटल बैंडविड्थ यहां पर कैलकुलेट करनी है, जो टोटल आपके मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल हैं उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट केस दिया हुआ है इफ ऑल द मॉड्यूलेटर्स, ठीक है, जो आपके सारे के सारे मॉड्यूलेटर्स हैं वो आपके हैं DSB FC, ओके, तो क्या होगी। सेकेंड केस दिया हुआ है इफ ऑल द मॉड्यूलेटर्स आर SSB SC, ओके, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या दिया है, ऑल द मॉड्यूलेटर आर DSB FC एंड सेकेंड इज SSB FC, क्लियर है। तो आप देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है 10 मैसेज सिग्नल्स हैं, बैंड लिमिटेड टू 10 किलोहर्ट्ज़ है, दैट इज FM, तो आपका 10 किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है मैसेज सिग्नल का FM जो है आपका, ठीक है। अब हमें यहां पर यह चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर आपका पहला मॉड्यूलेशन टेक्निक DSB FC यूज हो रहा है, दैट मीन्स DSB FC में मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, 2 FM होती है ना, हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप चैनल के थ्रू जो सिग्नल पास करते हैं वो मैसेज सिग्नल नहीं होता है, वो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, ठीक है ना, आफ्टर मॉड्यूलेशन आप पास करते हैं। तो DSB FC के केस में मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है आपकी, 2 FM, क्लियर है पॉइंट। तो बैंडविड्थ ऑफ वन सिग्नल की अगर बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 2 FM, दैट इज 20 किलोहर्ट्स, ओके। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा बैंडविड्थ ऑफ 10 सिग्नल्स, ओके, क्योंकि यहां पर टोटल आपके 10 है ना, तो 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200 किलोहर्ट्स हो जाएगा 10 सिग्नल की बैंडविड्थ। अब मैं बात करूं बैंडविड्थ ऑफ 10 सिग्नल्स विथ गार्ड बैंड, क्योंकि यहां पर आपकी गार्ड बैंड भी दी है, ये तो आपकी तब का केस निकल गया जब आपकी गार्ड बैंड गिवन नहीं होती, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जो 10 सिग्नल्स, जो 10 मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होंगे जो चैनल से पास होंगे, उनके बीच में 2 किलोहर्ट्ज़ की गार्ड बैंड है, तो टोटल गार्ड बैंड कितनी होगी,
आप बोलेंगे 10 है तो 20 हो जाएगी, नहीं, ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को आप। देखिए यहां पर जब मैंने इस स्लाइड में गार्ड बैंड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था तो टोटल यहां पर आपके 3 सिग्नल्स थे, तो गार्ड बैंड कितनी हुई थी, 2 हुई थी ना। देखिए इन दोनों के बीच एक, फिर इन दोनों के बीच एक, अगर टोटल 4 सिग्नल्स होते तो लास्ट थर्ड और फोर्थ के बीच में भी एक हो जाती, तो गार्ड बैंड आपकी 3 होती। नाउ हमारे एग्जांपल्स में टोटल 10 सिग्नल्स हैं, तो गार्ड बैंड या टोटल जो ब्लैंक स्पेसेस है वो 9 होंगे और एक ब्लैंक स्पेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 किलोहर्ट्ज़ है, तो टोटल गार्ड बैंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 18। ओके, सो बैंडविड्थ गार्ड बैंड कितनी हो जाएगी आपकी, 18 किलोहर्ट्ज़। ओके, सो जो आपकी टोटल बैंडविड्थ है, ठीक है ना, बैंडविड्थ टोटल वो हो जाएगी आपकी 218 किलोहर्ट्ज़। क्लियर है पॉइंट, अच्छे से। नाउ यहां पर आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि SSB/SC मॉड्यूलेटर आप यूज कर रहे हैं। SSB/SC मॉड्यूलेटर की मीनिंग क्या होती है, बस सिर्फ यहां पर एक माइनर सा चेंज होगा कि जो सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ, वो मैसेज सिग्नल के ही इक्वल होती है। दैट मींस यहां पर जो आपने बैंडविड्थ ऑफ वन सिग्नल लिखा था, बैंडविड्थ ऑफ वन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो लिखा था 2 FM, अब आप लिखेंगे FM, ठीक है। तो यहां पर जो आपका बैंडविड्थ 1 हो जाएगा वो आपका 10 किलोहर्ट्ज़ ही हो जाएगा, क्लियर है। नाउ बैंडविड्थ ऑफ 10 सिग्नल्स कितना हो जाएगा आपका, 100 किलोहर्ट्ज़। ओके, नाउ बैंडविड्थ ऑफ गार्ड बैंड कितना है आपका, वो सेम रहेगा आपका 18 किलोहर्ट्ज़, क्लियर है। तो बैंडविड्थ ऑफ जो टोटल है आपका वो हो जाएगा आपका 118 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ इतना ही चेंज आएगा कि SSB/ST के केस में मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो FM होती है, आपको यहां पर 2 FM की जगह FM लेना है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको यहां देने जा रहा हूं इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें आपके 5 सिग्नल्स हैं, ठीक है, 5 मैसेज सिग्नल्स। ओके, यहां पर बोल रहा है कि ईच मैसेज सिग्नल्स इज बैंड लिमिटेड टू, आपको दिया हुआ है 5 किलोहर्ट्स, 10 किलोहर्ट्स। ओके, पहले का दिया है आपको 5, ओके, सेकंड मैसेज सिग्नल जो है वो दिया है 10 किलोहर्ट्स, ओके, थर्ड आपको दिया है 15 किलोहर्ट्स, फोर्थ भी आपको दिया हुआ है 15 किलोहर्ट्स, एंड जो आपको फिफ्थ मैसेज सिग्नल दिया है वो दिया है 20 किलोहर्ट्स। ओके, सो 5 मैसेज सिग्नल्स, ईच बैंड लिमिटेड टू 5 किलोहर्ट्स, 10 किलोहर्ट्स, 15 किलोहर्ट्स, 15 किलोहर्ट्स एंड 20 किलोहर्ट्स रिस्पेक्टिवली, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सबको दे दिया था 10 किलोहर्ट्स, यहां पर अलग अलग मैसेज सिग्नल के लिए जो FM है आपका वो अलग अलग है आपका, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। नाउ द मॉड्यूलेटर यूज्ड आर, मॉड्यूलेटर भी आपके अलग अलग दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए जो आपको मॉड्यूलेशन दिया हुआ है आपको वो दिया है DSB/FC, ओके, सेकंड के लिए दिया है SSB/SC, थर्ड के लिए दिया है DSB/SC, फोर्थ के लिए दिया है फिर से SSB/SC और फिफ्थ के लिए आपको फिर से दिया है DSB/FC, ओके, ये आपको दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेटर फॉर डिफरेंट डिफरेंट मैसेज सिग्नल्स। ओके, नाउ गार्ड बैंड आपको दी हुई है 2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, मीन्स हर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बीच में जो गार्ड बैंड होगी, मीन्स बिटवीन 2 मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो गार्ड बैंड होगी वो आपकी 2 किलोहर्ट्ज़ की होगी, क्लियर है। नाउ इसका अगर मैं अब सॉल्यूशन पार्ट देखूं तो आप देखिए जो फर्स्ट मैसेज सिग्नल है जब वो मॉड्यूलेट किया जाएगा तो वो DSB/FC से किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ देखते हैं यहां पर तो वो 2 FM हो जाएगी, DSB/FC की 2 FM होती है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 किलोहर्ट्ज, क्लियर है अच्छे से। अगर मैं यहां पर सेकंड मैसेज सिग्नल की देखूं तो सेकंड मैसेज सिग्नल क्या है आपका, SSB/SC के थ्रू मॉड्यूलेट किया गया है और सेकंड मैसेज सिग्नल के लिए FM की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 का 10 ही रह जाएगा वो, क्योंकि SSB/SC की जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, FM ही होती है। नाउ अब अगर मैं थर्ड मैसेज सिग्नल की यहां पर बात करूं तो जो आपका थर्ड मैसेज सिग्नल है उसके लिए FM की वैल्यू दी है 15 और उसके लिए जो मॉड्यूलेशन टेक्निक दी है वो दी है DSB/SC, तो आपको पता है DSB/SC के केस में मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो 2 FM हो जाती है, तो कितना हो जाएगा ये, 30 किलोहर्ट्ज़,
क्लियर है अच्छे से। नाउ अगर मैं नेक्स्ट मैसेज सिग्नल की बात करूं तो नेक्स्ट मैसेज सिग्नल के लिए जो आपको एफएम दिया है वो अगेन 15 दिया है, और नेक्स्ट मैसेज सिग्नल के लिए जो मॉड्यूलेशन टेक्निक दी है वो कितनी दी है आपको एसएसबी एससी, तो 15 का 15 रह जाएगा। ओके अब अगर मैं लास्ट मैसेज सिग्नल की बात करूं तो उसके लिए आपको 20 किलोहर्ट्ज दिया है एफएम, ठीक है, मैसेज फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मैसेज फ्रीक्वेंसी, और जो मॉड्यूलेशन टेक्निक दी है वो डीएसबी एफसी दी है, तो ट्वाइस एफएम हो जाएगा मॉड्यूलेशन के लिए बैंडविड्थ जो है, ठीक है ना, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या हो जाएगी 2 एफएम, तो कितनी हो जाएगी बैंडविड्थ ऑफ 540 किलोहर्ट्ज। ओके तो यहां पर मुझे हर एक सिग्नल के लिए मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ पता चल गई है, क्लियर है पॉइंट, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है फॉर ईच एंड एवरी सिग्नल। नाउ अब आप यहां पर समझिए कि ये टोटल 5 सिग्नल्स हैं, तो आपको टोटल पहले इन सब का ऐड करना होगा, तो आपको पांचों सिग्नल की कंबाइंड बैंडविड्थ निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि हर दो सिग्नल्स के बीच में, हर दो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बीच में गार्ड बैंड है ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़, तो अगर आपके 5 सिग्नल्स हैं, ठीक है, तो आपके टोटल 4 स्पेसेस होंगे, दैट इज 4 गार्ड बैंड्स होंगी, और हर एक गार्ड बैंड की वैल्यू है 2 किलोहर्ट्ज़, तो क्या लिख देंगे आप बैंडविड्थ ऑफ टोटल, बैंडविड्थ ऑफ जो टोटल हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी बैंडविड्थ ऑफ 1, ओके, बैंडविड्थ ऑफ 2, बैंडविड्थ 3, बैंडविड्थ 4, ओके, बैंडविड्थ 5, ओके, एंड लास्ट आपके टोटल 4 गार्ड बैंड्स हैं और हर एक गार्ड बैंड की वैल्यू है 2 किलोहर्ट्ज़, ये हो जाएगा 4 × 2, ठीक है। अगर मैं आप सबको ऐड कर दूं तो बैंडविड्थ 1 है 10, दिस इज ऑल्सो 10, देन 30, देन 15, देन 40, ओके, सो 10 प्लस 10, देन नेक्स्ट कितना है आपका, नेक्स्ट है आपका 30, ओके, एंड नेक्स्ट है आपका 15, नेक्स्ट है आपका 40, देन प्लस 8, क्लियर है। तो ये आपकी हो जाएगी टोटल, ठीक है, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 15 65, 65 प्लस 40 105, एंड 105 प्लस 8 113 किलोहर्ट्ज़, ओके, सो दिस इज योर टोटल बैंडविड्थ इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्लियर है आपको पॉइंट अच्छे से यहां पर। तो मैंने यहां पर 2 एग्जांपल कंसीडर किए हैं बेसिकली, ताकि आपको जो एफडीएम का जो कंसेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी आपकी किस तरह से डिवाइड होती है, जो टोटल बैंडविड्थ है आपकी वो किस तरह से डिवाइड होती है, वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की यहां पर कोशिश की है, क्लियर है। फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट हो पूरे कंसेप्ट में या किसी न्यूमेरिकल में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। ओके थैंक यू।